मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के चोकड़ी नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के विविध रूप मिलते हैं। प्रस्तुत भक्ति के पद में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति वत्सलता का वर्णन हरि के रूप में करते हुए कहती हैं कि हे हरि, आप लोगों की पीड़ा का हरण करिए। हरि तुम हरो जन की भीड़, हरि तुम हरो जन की द्रौपदी की लाज राखी तुम पढ़ायो चीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम पढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की भीड़, हरि तुम हरो जन की भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, हरि तुम हरो जन की भीड़, हरि तुम हरो जन की भीड़, हिरण का सब मार लीन्यो धर्यो नाहिन धीर, हरि तुम हरो जन की भीड़, हरि तुम हरो जन की भीड़, ते गज गाह मार्यो कियो बाहर नीर, दास नीरा लाल गिरधर दुख तहां जह पीर, दास नीरा लाल गिरधर दुख जहां तहां पीर, हरि तुम हरो जन की भीड़, हरि तुम हरो जन की भीड़, हे श्री कृष्ण जी, तुम लोगों के कष्ट को लोगों की विपत्त का हरण करो। श्री कृष्ण जी, हरि जी, लोगों के कष्ट को क्या करो? हरण करो, दूर करो। क्यों? क्योंकि आपने द्रौपदी की लाज रखी थी और जाकर के चीर को बढ़ाया था। द्रौपदी की लाज रखी थी और चीर को जाकर के बढ़ाया था। चीर को किसने बढ़ाया था? द्रौपदी। श्री कृष्ण जी ने चीर बढ़ाया था। फिर और क्या किया था? भक्त कारण रूप नर हरि आप धर्यो शरीर, भक्त के कारण नरसिंह रूप का धारण करके आप हिरण कश्यप को मार लिया था और आप धैर्य नहीं धारण किए, क्योंकि भक्त के कारण आपने नरसिंह का आधा मनुष्य और आधा शेर का रूप धारण करके उसको मारा था, क्योंकि वचन दिए थे कि ना आपको कोई आदमी मारेगा और ना जानवर मारेगा, न दिन में मारे जाओगे न रात में मारे जाओगे, न अंदर मारे जाओगे न बाहर मारे जाओगे। तो उन्होंने गेट पर के पर आधा नर आधा सिंह का रूप धारण करके मारा था, ठीक है। और क्या किया आपने? बूढ़ते गजराज ग्राह मारो, डूबते हुए हाथी को जो ग्राह मारो कियो बाहर नीर, ग्रह करने वाला मगरमच्छ को आपने मार करके हाथी को क्या किया? बाहर किया। बूढ़ते
डूबते हुए गजराज को आपने मगरमच्छ से मुक्त करके जल के बाहर किया था, इसलिए हे श्री कृष्ण जी, लोगों की पीड़ा को, लोगों के कष्ट को दूर करें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।